नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है, तो आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ा जा सकता है या अंग्रेजी पढ़ने में आपको क्या दिक्कत होती है, क्या समझ नहीं पाते हैं कि इंग्लिश पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आप इंग्लिश को लेकर आप हमेशा जो है एक डर बना रहता है, डर का माहौल रहता है, तो उससे आपको बचाने के लिए मैं यहाँ पूरा प्रयास करूँगा इस वीडियो में। देखिए, चलिए ये वीडियो जो है तो 1162वें दिन का है, इतना लंबा सीरीज चल रहा है हाउ टू रीड करके। तो शुरुआती देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको सीखना होगा इंग्लिश में जो बेसिक चीज़ होता है। अब बेसिक सभी को पता होता है, लेकिन यही गलती कर बैठते हैं आप कि बेसिक जानने के बाद भी आपको ये पता नहीं है कि मैं अगर बोलूँ कि टी को क्या कितने तरह से बोल सकते हैं, यानी कि टी इसो या मैं बोल ही रहा हूँ ये टी है, टी को क्या क्या बोलेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ टी को क्या क्या बोलेंगे, हो सकता है आप बता दें कि टी को इंग्लिश वर्ड में ट बोलेंगे, त बोलेंगे, कहेंगे मैं पूछूंगा कुछ और भी क्या बोला जाता है क्या, हो सकता है आपको पता हो। तो आपके लिए जाहिर सी बात, ये वीडियो आपने पहले देख रखा, नहीं पता है तो जाहिर सी बात है नहीं देख पाएंगे। तो आपको यहाँ मैं बताऊँगा कि टी को और क्या क्या बोला था। उसी तरह जब वर्ड मीनिंग होता है, जब वर्ड मीनिंग में इन ए बी सी डी को जो कॉन्सनेंट है उसको अलग अलग तरह से बोलते हैं। अब ये कॉन्सनेंट कहाँ से आया, तो ए टू जेड होता है, ए टू जेड में से सिर्फ अल्फ़ाबेट को यानी कि वोवेल को, ये हमारा वोवेल ए ई आई ओ यू को हटा देने के बाद जो जितने सारे वर्ड्स बनते हैं, मतलब जो लेटर्स बचते हैं, वर्ड्स नहीं लेटर बचते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। संख्या क्या हो जाती है 21, कॉन्सोनेंट की संख्या क्या है 21, वोवेल की संख्या क्या है 5। लेकिन ये वोवेल जो है तो बहुत ही डिफरेंट तरह से बोले जाते हैं, इसकी वजह से इंग्लिश लोग नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं वहाँ बताऊँगा, जैसे देखिए ये बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, उसके बाद जे को ज बोलते हैं, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ण बोलते हैं, पी को जहाँ मिले प ही बोलते हैं, क्यू को क्यू, क्यू को क भी बोलते हैं, और आर को र बोलते हैं र, और हिंदी शब्दों में ड़ के लिए आर लिखा जाता है। इसको स ज बोलते हैं, टी को ट त तो बोलते ही हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया ट त, लेकिन च और स भी बोलते हैं। इससे एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा, आप आगे बने रहेंगे तो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे टी को च या स बोलते हैं, वी को वह बोलते हैं, डब्ल्यू को भी वह बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं एक्स। अब देखिए ई एक्स से भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे, या एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी एक्स या एक्स दोनों, वाई को या बोलते हैं और वाई को ई बोलते हैं, जेड को जझा बोलते हैं, सी आई से स होता है, सी ई से स होता है। अब देखिए सी एच को क्या बोलते हैं क, सी के को क्या बोलते हैं क, क्यू को क्या बोलते हैं क, क्यू यू ई को क्या बोलते हैं क, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि मैं आने वाले इसी वीडियो में बताऊंगा कि कहां कहां आपको ये मिल जा रहे हैं। अब देखिए आपको याद रखना होगा वोवेल, कि वोवेल कैसे उच्चारण किए जाते हैं, तो सिंपल तरीका है तो वोवेल देखिए, वोवेल की संख्या जो है ज़्यादा नहीं है, 5 ही है, और इसको टोटल जो है 27 अलग अलग तरह से पढ़े जाते हैं। तो 27 तरह का याद करा मैं यहाँ यही इसी साइड में याद करा दूंगा कि 27 किस कौन कौन सा तरीका है, और आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पढ़ने 100% आएगा। जिनको भी नहीं आ रहा, अच्छे अच्छे लोग जो है ना, आई एस सी इंग्लिश में ही लिखा जाता है ना, कॉपी सब लिखते हैं आंसर, आई एस सी चाहे मैथ से बायो से करते हैं, तो वे लोग भी स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। मैंने मेरे ही चैनल का नाम, अच्छे अच्छे लोग जो है सही उच्चारण में नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, यही है कारण कि सब वर्ड पे अब लाखों वर्ड है, तो क्या लाखों वर्ड पे क्या कमांड लोग करेंगे क्या नहीं, लेकिन ऐसा तरीका होना चाहिए कि सुनकर जो है आपको वर्ड्स लिख ले, सुनकर या आप जो है देखकर एक बार में पढ़ लें। जैसे मैं बोलूँगा कि ये क्या लिखा हुआ, आप देख ही कर बोल रहे हैं, अब ये नहीं कर रहे कि द इकर ई म आकर ग, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप सीधा पढ़ दिमाग, यहाँ से आप देख रहे हैं, यह वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, देखकर पढ़ रहे हैं, देखिए आप देखकर ही पढ़ रहे हैं, पढ़कर नहीं पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो रहे ही हैं, क्रिया तो हो ही रही है, लेकिन ये क्रिया देखने से ही हो जा रहा है,
क्योंकि इन सब जो शब्द को हिंदी में लाखों बार आप लोगों ने देखा होगा, लाखों बार देखा होगा, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ाई भी की होगी तो लाखों बार देखा होगा। तो वैसे इंग्लिश वर्ड में तो लाखों बार हर एक वर्ड को तो नहीं देखते, जिनको देखते हैं उनको बोलते हैं, जिनको नहीं देखते उनके लिए क्या, तो तरीका होना चाहिए ना। तो यहाँ पर तरीका है कि ए को दोस्तों चार तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए समानता क्या है, जैसे यहाँ पर अ आ, देखिए अ आ सभी में आपको एक जैसे मिल रहे हैं, यहाँ देखिए मिल गए। उसके बाद ई ई जो है यहाँ पर देखिए दो दो में, यानी कि ई और आई में ई मिल गया, और ओ यू डबल ओ में जो है उ मिल गया, तो यहाँ हो गया ना आ। अब यू को यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई तो बोलते ही हैं, लेकिन ये भी दिमाग में रहता है लोगों को कि भाई ए होता उच्चारण, क्योंकि पेन है, पेन है, ये पेन वर्ड जो आप देखते हैं पेन, इसी से समझ में आ जाता है कि पेन, हाँ पेन होता है, ई का ए बोलते हैं, उसी तरह ए का उच्चारण ए आय के रूप में होता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया है मैंने, जैसे मिडिल में एक को अ, मॉल में एक को आ, मेड में एक को ए, मैन में एक को ए, मार्बल में ई को आ बोलते हैं, पेन में ई को ए बोलते हैं, पीस में ई को ई बोलते हैं, बड़ी सर्कल में आय का उच्चारण, यानी कि आय है तो आय का उच्चारण आ होता है सर्कल, पिन में छोटी ई का उच्चारण जो है ई के रूप में होता है ई, और टीन में बड़ी का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में होता है, टायर में आय का उच्चारण आई आई है ना, आई के रूप में होता है, टायर टायर, सम में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है प्रूव, क्या होता है प्रूव, प्रूव में ओ का उच्चारण, कि चाहे सम हो चाहे अबाउट हो या प्रूव हो, इसी तरह के लाखों वर्ड मिलेंगे ना, या टोन हो, आपको दिमाग लगाकर थोड़ा सा वर्ड सुनना होगा, ज़्यादा ज़्यादा वर्ड सुनिए, और प्रूव में ऊ और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में ही होता है, बट में यू को आ बोलते हैं, पुट में यू को ऊ बोलते हैं, छोटी ऊ हो जाएगा, म्यूट में यू को यू बोलते हैं, फ्लो फ्लड है इसमें डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है, बड़ी के रूप में, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, फ्लड रूम फ्लोर ऐसे ही तो होता है। तो एक तो ये बात है, दूसरा बात है दोस्तों कि सन वाला जो चैप्टर है, यानी जो हमारा 64 पार्ट ऑफ वर्ड का जो लिस्ट है उसको आप याद रखिए, अगर उसको याद रखते हैं तो आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ने में जो शुरुआती दिक्कत होता है वो उस दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका एक लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए, लिखना क्या है तो ये साइड वाला जो है आपको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ से ये लिख लेना है, और लिखने के बाद इसको याद करिए 100%। देखिए ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो 10 दिन बहुत है इंग्लिश पढ़ने को लेकर, बाकी अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड तो धीरे धीरे ही आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सुनिए, देश दुनिया के वर्ड सुनिए, सभी तरह के वर्ड सुनिए, इंग्लिश में अगर इंग्लिश को सीखना है तो इसी तरह से पढ़ा जा सकता है। अभी तक मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ही कम लोगों को इंग्लिश पढ़ने आ रहा है, अब नए नए ज़माने के बच्चों को छोड़ दीजिए, जो ओल्ड वाले हैं जिन्होंने, या जो हिंदी मीडियम से है जो नहीं गए, या जिनको ज़रूरत है वो भी सीख सकते हैं। तो ये है, इस तरह से पढ़ना सीखिए, पढ़ना आएगा तभी लिखना आएगा, उसके बाद ही आप बोल पाएंगे। सभी देखिए, चाहे आप रीड करें, ठीक है, रीड करें, चाहे आप रीड करें या फिर आप राइट, ठीक है, राइट यानी कि लिखें इंग्लिश में या फिर स्पीक करें, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पार्ट है, सब दूसरे को सीखते सीखते ही आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ सीख जाए, चाहे लिखना चाहे पढ़ना चाहे बोलना, एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपका दिमाग अपनाते रहेगी, बार बार अपनाएगी, आप सीखेंगे। तो चलिए आप इसे याद करिए, लेकिन दोस्तों ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट को देखकर, सारे वीडियो का मजा लीजिए, चाहे रीडिंग या राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे, बताइए स्टेप जो इच्छा है वो देखिए, शुरू से देखिए, डे वन से देखिए। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे बताइए, चाहे मतलब तो ग्रामर से पूरे नंबर डिक्शनरी खरीदना है, अंग्रेजी पढ़ना हो लिखना हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोलना एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें न पढ़ने की जरूरत होती है न लिखने की, एक अनपढ़ या अनपढ़ का मतलब होता है कि उसको पढ़ने और लिखने नहीं आ रहा, यही होता है, बोलने तो हर लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेनिश सीखिए, चाइनीज सीखिए, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, मंडारिन, नाम सुना है क्या आपने, मंदारिन नहीं नाम सुना, चलिए मैंने बताता हूँ, मंदारिन
मंदारिन सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो ये जो है कैसे कैसे जो है आपको नहीं पता है दोस्तों, ये चाइनीज भाषा है, चाइनीज भाषा को ही मंदारिन भाषा कहते हैं। तो ये तो समझ में आया गया ना कि हाँ मंदारिन किसे कहते हैं। उसके बाद जो है भाषा जो है बोलते हैं हम लोग हैं, तरह तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं ध्यान नहीं देते हैं कि भाई क्या बोला गया, क्यों बोला गया। तो इन सब बातों को आप अच्छे से अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से सब बात को पकड़िए और समझ बूझ कर इसका इस्तेमाल करना सीखिए। तो मंदारिन है तो क्या इंग्लिश लेकिन इंग्लिश क्या है, ग्लोबल है। स्पेनिश इससे भी, स्पेनिश भी जो है इंग्लिश से ज़्यादा बोली जाती है। स्पेनिश जी अगर स्पेन की बात करते हैं तो स्पेनिश जो है ज़्यादा बोले जा रही है, ठीक है, इंग्लिश से ज़्यादा। तो इसका ये मतलब क्या है, स्पेनिश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग दोस्तों कनेक्ट है और ग्लोबल लैंग्वेज है। अब चाइना में हिंदी है, इंडिया में हिंदी जाहिर सी बात है इंग्लिश के बाद बोली जाती है, आबादी तो है, क्योंकि यहाँ हिंदी ही नहीं, हिंदी के अलावा भी बहुत सारे मिक्सअप भाषा है, जैसे तेलुगु है, तमिल है, बंगाली है ना, या बंगला मतलब, या मलयालम है। तो ये हिंदी नहीं है, आबादी हमारी है, आबादी के अनुसार दूसरा वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे भी आ ही जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है और आना भी चाहिए, हर जगह एक नंबर पे रहेंगे, लेकिन फिर व्यवस्था तो सरकार देखेगी। तो दोस्तों ये है कि वर्ड्स, अब मैंने बताया कि क्या मेरा कहने का मतलब था कि भाई बोलने के लिए आपको लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए वर्ड्स पे आते हैं, कौन वर्ड, जैसे देखिए एबल, अर, ये आपको अर बोल लेंगे, एबल हो तो अर जो है, अर बोल देंगे ऊपर, ऊपर, और ऊपर में जो है ओपेरे, 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 ओपेरेबल, ओपेरेबल। अब देखिए ऑपरेबली, ऑपरेबली है ना, ऑपरेबली। नेक्स्ट है ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स। नेक्स्ट देखिए ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स। नेक्स्ट है ऑपरेटेड, टेड, ऑपरेटेड। नेक्स्ट देखिए ऑपरेट्स, ऑपरेट्स के बाद है ऑपरेटिक, ऑपरेटिक, ऑपरेटिक है, ऑपरेटिक के बाद है ऑपरेटर, ऑपरेटर, अब इसे ऐसे घुमा लीजिए ऑपरेटर, ऑपरेटर, ओपर, ओपरशेल, ओपरशेल, ओपरे, ओपरक्यूला, ओपरक्यूला। नेक्स्ट है ओपरक्यूल, ओपरक्यूला, ओपरक्यूल, ऑपरेटा, ऑपरेटा। उसके बाद है ओफेलियन, लियन है ना, ईएन, जैसे इंडियन में आता है ईएन, वही वाला है इंडियन, जैसे देखिए डीएन आ गया ना, ओफीडियन, ओफीडिज्म, इज्म है ये पार्ट है, ओफीडिज्म, ऑफ्योडन, ऑफ्योडन, ऑफ्यूरन, ऑफ्यूरन। नेक्स्ट है ऑफ्यूरस, ऑफ्यूरस और ऑफ्यूरिड, ऑफ्यू, ऑफी यूरिड, ओपिएटिंग, ओपिएटिंग्स। नेक्स्ट है ओपी, ओपी फिशर, ओपी फिशर, ओपिनेबल, ओपिनेबल, ओपिनिकस, ओपिनिकस और ओपिनियन, ओपिनियंस। नेक्स्ट देखिए ओपी, ओपियमिज्म, ओपिया, ओपियमिज्म, ओपियम होता है उसमें इज्म लग गया है तो ओपियमिज्म, 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 ओपोपानेक्स। नेक्स्ट है ओपोराइसेस, ओपोसम्स। उसके बाद है ओपीडेंस, ओपीडेंस के बाद है ओपी, ओपीलैंड, ओपीलैंड। तो दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ से आपको समझ लीजिए एक और, ओपीलैंड के बाद जैसे टेंट था, लैंड था, ओपीलेट, एट को याद रखिए, ओपीलेट। नेक्स्ट है ओपोनेंट, ओपो, ओपो, इस तरह से लिख लीजिए ओपोनेंट, ओपोनेंट, ओपोजर्स, ओपोजर्स।
नेक्स्ट है अपोजिंग, अपोजर्स, अपोजिंग, अपोजिंग, अपोजिंग। नेक्स्ट देखिए अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। नेक्स्ट है ऑपपंड, पंड, ऑप, देखिए ऑप पंड, ऑपपंड। नेक्स्ट है ओमनीवोरा, ओमनीवोरा। नेक्स्ट ओमनीवोर, ओमनीवोर के बाद है ओमनीवरी, आइवरी होता है ना, ओमनी, ओमनीवरी, तो ओमनीवरी, ओमनी आइवरी होता है तो नियरी। ओमो, ओमो हायोएड, हायोएड। नेक्स्ट है ओमो फैगी। नेक्स्ट है ओमो प्लेट, ओमो प्लेट। नेक्स्ट है ओम फैलिक, ओम फैलिक। नेक्स्ट है ओम फैलस, ओम फैलस। नेक्स्ट है ओनेनिज्म, ओनेनिज्म। नेक्स्ट है ओनेनिस्ट, ओनेनिस्ट। नेक्स्ट देखिए ऑनसी, ऑनसीडियम, ऑनसीडियम। नेक्स्ट देखिए ऑन्कोजिन। तो चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं, और ये रहा सो ओलिम, ओलिम, ओलिम्पिज्म, ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक, ए सी एस एम को हटा के सी लग जाए तो ओलंपिक हो जाएगा, ओलंपिक। तो यहाँ देखिए ओलंपिज्म। नेक्स्ट है ओलिन, ओलिंथस, ओलिंथस के बाद ओमेधॉन, ओमेथॉन, ओमेनाइज्ड, ओमेनाइज्ड के बाद है ओमेनाइजेज, ओमेनाइजेज। नेक्स्ट है ओमेनाइज्ड, ओमेनाइज्ड। नेक्स्ट है ओमेनाइजेज। नेक्स्ट देखिए ओम, ओम वॉस। नेक्स्ट है ओम्ब्रेला। नेक्स्ट देखिए यह है तो ओम डोरमैन, ओम डोरमैन, और ओमलेट। नेक्स्ट है ओमेंटम, ओमेंटम्स, ओमिक्रॉन्स, ओमिक्रॉन्स, ओमिक्रॉन्स। ओमिशन, ओमिशन, ठीक है, सन है ना, ओमिशन। ओमिशन, ओमिटर्स, ओमिटिंग। नेक्स्ट है ओमेटियम। नेक्स्ट है ओमनियाच। देखिए समझना होगा इससे अच्छे से, तो ओमनियाच। अब देखिए नेक्स्ट जो है वर्ड ओमनी फिल्ड, ओमनी, सॉरी फिल्ड नहीं, एल तो है नहीं, ओमनीफाइड, ओमनीफाइड, ओमनीफाइज, ओमनीफॉर्म, और ओमनीमोड। नेक्स्ट जो है जैसी बात है, अब ये देखिए दोस्तों तीन स्लाइड के बाद वर्ड्स किस तरह से आप अच्छे तरह से पढ़ सकेंगे। तो अगर आपने ये हमारे सजेशन के बाद अगर आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए रिपीटेशन क्या होता है, जैसे देखिए आई जी एच जो है आई बोलते, आई, आई जी एच आई बोलते हैं, एच के साथ है तो हाई और एल के साथ है तो लाई, टेट तो अलग है ही, ऐसे आई जी एच टी एक अलग वर्ड होता है। तो कैसे पढ़ेंगे, वाइल, इसमें एच जो है साइलेंट है, वाइल डिस एक पार्ट है, इंग भी पार्ट है, डिस्कशिंग अन भी पार्ट है, और इज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। सेक्टर, द की इशू, इशू क्या हुआ, की इशू ऑफ प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स इंगेज्ड इन द सेक्टर शुड, शुड बी हाईलाइटेड। यू मे, ये वाक्य क्या बोलते हैं, मे ऑल्सो एनकरेज, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू, स्टूडेंट्स टू विजिट पर्संस एंड एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस फ्रॉम रियल लाइफ सिचू। देखिए सी टी आई को, टी यू को क्या बोलते हैं, ए सिचू, ए सिचू, ए देखिए सन है, सिचुएशन है ना। अब देखिए यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया मैंने, सोर्सेज, सोर्सेज,
सोर्सेस नहीं, सोर्सेस इसको ज पढ़ रहा है, सोर्सेस फॉर इनफॉर्मेशन, सर यहाँ भी आ गए। उसके बाद देखिए टेक्स्ट दोस्तों, अब यह देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ कैपिटल में लिखा हुआ लंबा बड़ा जो अक्षर हो इंग्लिश में, तो सिंगल सिंगल उच्चारण करते हैं जी डी पी, द जी डी पी डेटा, डाटा नहीं डेटा यूज्ड इन दिस चैप्टर, चैप्टर देखिए यार यहाँ भी आ गया पर एन आ गया टेन और इंग आ गया, पर्टेनिंग टू ग्रॉस, पर्टेनिंग टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एट फैक्टर, प्रोडक्ट एट डोमेस्टिक, देखिए यहाँ से पढ़े ग्रॉस जीडीपी का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर्स, हर भी एक पार्टी है, कॉस्ट कोस्ट नहीं कॉस्ट बाय इंडस्ट्री, ठीक को याद रखिए ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन नहीं ओरिजिन एट 2004 to 5, प्राइसेस इज प्राइसेज नहीं प्राइसेस नहीं प्राइसेस 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 टेकन, ए के बाद ई है तो एक औचन के रूप में फिक्स हो गया, तो टेकन फ्रॉम रियल टाइम हैंडबुक ऑफ एस स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, इट इज ए वैल्यू, इजीली पढ़ेंगे देखिए यहाँ से समझिए अच्छे से, इट इज अ वैल्यू वैल्यू वैल्यूएबल वैल्यूएबल सोर्स ऑफ जीडीपी एंड अदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंडियन इकोनॉमी फॉर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन पर्पसेस, पार्टिकुलर कुलरली पार्टिकुलरली टू डेवलप। तो दोस्तों हालांकि यहाँ देख रहे हैं आपने, तो इस तरह से जो है आप रिपीट कीजिए, फिर से पढ़िए और पढ़ के देखिए क्या आपको दिक्कत होती है, जो दिक्कत होती है हमसे आप कॉमेंट करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, तो आप इंग्लिश पढ़ना ही नहीं लिखना भी सीखेंगे, समझना भी सीखेंगे और फिर बोलना भी सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अधिक से अधिक देखिए वीडियो के नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन पर लाइक कर दिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी, तो ऑल नोटिफिकेशन जिनकी इसी तरह के वीडियो आप देखेंगे, इसके अलावा भी बहुत मतलब सब्जेक्ट पे वीडियो आते रहते हैं नया देखिए, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सगे संबंधी मित्रों अपने परिचितों को। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स।